सभी को राम राम छोटे बेटे ने। मैं आपका अपना स्त्रुवन उड़ान कैंपस बरवाला से। आपने पता भी है कि उड़ान कैंपस 2015 तक रन करने लग रहा है और यहाँ बैठे अनिल के भाई अनिल जो डॉक्टर लग रहा है वो भी अपना स्टूडेंट था। जो पांच लड़के लगे थे रवि और है सतीश पंडित जी है वह भी अपने स्टूडेंट थे और मोनिका मतलोडा जो कबड्डी खेलती थी दोनों वो भी हमारे स्टूडेंट थी। कहने का मतलब 10 से 15 बच्चे मतलोडा के उड़ान कैंपस के लगे हुए हैं। तो हमने एक ही हमारा मोटो है जो हमने कमियां देखी हमारे क्षेत्र के आसपास। मेरा गांव भी खेदड़ है और मन लगे ने बरवाला के अंदर कैंपस को नहीं या बरवाला के अंदर लाइब्रेरी को नहीं। हमारी गुड़िया को खासकर प्रॉब्लम होती है बसों की हो या ज्यादा फीस की प्रॉब्लम हो शहर जाने के लिए। और हमारे क्या गाँव के लोग क्या कहते थे 80% लोग कहते नहीं माँ मैं शहर पढ़ के आऊंगी तो अपने लोग कहते थे ना बेटा शहर नहीं इतनी दूर नहीं आस पास हो तो को देख ले या असुविधा हमने देखी थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए 2015-16 में स्टार्ट किया था। आज लगभग उड़ान कैंपस में 13 से 14 हजार बच्चे आ लिए और 800 से 900 बच्चे जॉब भी लग लिए। और जो सबसे ज्यादा जॉब लगे आपके गांव से आप देख सकते 15 से 10 बच्चे लग लिए। तो हमारा एक तो यही प्रयास था जो सफल हो गया। और दूसरा मास्टर जी ने बताओ मंजीत जी भी हमारे पार्टनर है भाई कैसे अपने 10वीं के बाद प्लस टू के बाद बीए के बाद बच्चे के सामने प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है भाई मैं क्या करूं क्वेश्चन यू आव है। तो वो बता दिया कि आप डी ग्रुप की आपके सिर पर भर्ती है बिल्कुल 13.5 हजार का नोटिफिकेशन। और एक और अभी अग्निवीर का नोटिफिकेशन भी आया है थोड़ी देर पहले। तो जिन बच्चों ने अग्निवीर की तैयारी करनी उनके भी बेस्ट स्टार्ट रहते हैं। अभी भी खड़कपुनिया से है दौलतपुर से सदलाना से बच्चों ने अग्निवीर का अपना पेपर पास भी किया उड़ान कैंपस के स्टूडेंट थे। दो बच्चे फरीदपुर के थे। तो हमारा प्रयास ये होगा अपना क्षेत्र जो ग्रामीण आसपास के गांव है 50-40 गांव तो वो आप किसी चीज से पीछे नहीं रहा ये हमारा मोटो है। और आज जो हम ये सेमिनार कर रहे हैं भाई गांव गांव जाके भाई सरपंच जी से बात कर रहे हैं जितने भी है जो हमारे गणमान्य मौजूद व्यक्ति है खिलाड़ी है बच्चे है भाई कैसे हमारे क्षेत्र को आगे लेके जा सके। उसमें क्या एक और मैं बता रहा हूँ जैसे जितने बच्चे यहाँ पर बैठे है लगभग किसी को ये नहीं पता मैं क्या तो करने वाला हूँ मैं किस लिए आया हूँ और मेरे को क्या करना है ये प्रॉब्लम है। मैं सभी बच्चों ने बोलूंगा कि 10 मिनट अपने लिए ध्यान निकाला करो मैं मना करना के है। बहुत से बच्चे तो बेरिया को नहीं के करना के नहीं करना भेड़ चाल मैं वो बोले बी ए में ले रहा फलाना का छोरा इशार चालो। सबसे पहले तो अपने दिल की बात सुनो मन की वह अंदर तो आवाज के आने लग रही है मना बनना के है मना डॉक्टर बनना मना मास्टर बनना मना फुटबॉल में खेलनी है मना कुश्ती करनी है जो अंदर तक आवाज आवे वही बनो। बिल गेट्स का नाम सुना आप लोगों ने उनके माता पिता बिल गेट्स को प्रोफेसर बनाना चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं मानी वो बात क्योंकि उसकी इंटरेस्ट था कंप्यूटर लाइन में। वो असफल भी हुआ बिल गेट्स लेकिन आज बिल गेट्स को सारी दुनिया जानती दुनिया का नंबर वन व्यक्ति है धन के मामले में। तो यदि आप अपने दिल की आवाज सुनोगे ना आप बनना चाहो जो आपने 2 रुपये कम बन गए और आपने वो 2 रुपये अच्छी खुशी से कमाने लग रहे हो आपके अंदर संतुष्टि है तो आपके लिए सक्सेस है। जो आपने महीने के 1 लाख कमाने लग रहे हो और आप बेचैन हो संतुष्ट को नहीं तो वो मेरे हिसाब से वो 1 लाख रुपये आपके कोई काम के नहीं है। और आपने सुना होगा बेजोस का नाम सुना होगा जय बेजोस। सबसे पहले छोटे छोटे पार्सल दिया करता घर जाके एक कंप्यूटर से काम स्टार्ट किया था गैरेज में। आज दुनिया का अमेजोन को कौन नहीं जानता भाई क्यों क्योंकि उसके अंदर दृढ़ शक्ति थी दृढ़ इच्छा थी मैं मन वो काम करना है तो करना है। अपना गांव में क्या प्रॉब्लम है आजकल के बच्चे एक बार काम का हाथों ला देंगे बोले पॉलिटेक्निकल करांगे अगर कह खर्चे लगा देंगे पेरेंट्स के और बिग भी जाओगे 2 महीने 6 महीने वापसी उस चीज में छोड़ देंगे या तो किसी चीज का हाथ लगाओ ना। जब भी बड़ा आदमी क्या जो भी काम वो करेगा ना उस पर तुरंत एक्शन शुरू कर देगा उस पर काम शुरू कर देगा। पहले आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको अच्छे से सोचो भाई मन क्या करना है कैसे करना है और जब उसका हाथ लगा लिया तो उसमें पीछे मत हटो। अमिताभ बच्चन का नाम कौन नहीं जानता अमिताभ बच्चन बिल्कुल 0 हो गया था केबीसी से पहले लेकिन उसने वो काम छोड़ा को नहीं। आज बिग बी है सदी का महानायक भी आप कहते अमिताभ बच्चन ने उसके पीछे रीजन था कि उसने काम कौन छोड़ा वो उसने हार कौन मानी। जो भी आप काम करो उस तक हार न मानो लगातार लगे रहो तभी आपने जिंदगी में सफलता मिलेगी। और हम भी आपकी तरह गांव में बसा में लटक के जागर दे लेकिन एक इच्छा पड़ी थी वह अपना क्षेत्र की लड़कियां हैं लड़के हैं इशार वह 25-25-30 हजार रुपए फीस के देवा है। बहुत से पेरेंट्स कोरोना के बाद नहीं दे पा रहे पहले भी नहीं दे पाते बहुत गरीब बच्चे हैं। मैं आपको बता रहा हूं हम हर बैच
में तीन चार किसी जाति किसी धर्म की लड़की और लड़के और पांच सात बच्चे फ्री पढ़ाते भाई। और भी हमारे सामाजिक कार्य चलते रहते, चाहे वो खेल है, चाहे अभी सकोरे लगाने का काम है बरवाड़ा के अंदर, या गरीब बेटियों को शादी करने का मामला। खेदड़ में अभी शादी की थी एक बरवाड़ा शादी, अभी 11 तारीख की, उससे पहले खेड़ी जाल में गरीब लड़की की शादी, इसके पेरेंट्स नहीं थे, बिल्कुल झोपड़ी में रहती थी। ये हम सामाजिक कार्य भी करते हैं। यदि हमने पैसे जोड़ लिए और वो पैसे हम किसी के ऊपर लगा नहीं पे जरूरतमंद के, उन पैसे का भी कोई फायदा नहीं है। तो हमारे सामाजिक कार्य भी और हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े उसके लिए भी हम कार्य करते हैं। और जब तक आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा काम आगे भी नहीं जाएगा। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ, जो भी आपके आसपास के बच्चे हैं, उड़ान कैंपस का आपको सभी को पता, उसको बोलिए। और यदि हमारे सरपंच साहब की तरफ से, आपकी पंचायत की तरफ से लेटर पैड के ऊपर कोई ये आता है ये बच्चा योग्य है गरीब है, तो हम उसके फीस में भी छूट करेंगे भाई। यदि हमारी फीस 6,000 है तो हम उसके 5,000 रुपए लेंगे, 1,000 पर बच्चा माफी कर देंगे। और मैं अपने एक बात और बताऊंगा भाई, जैसे छोटे बच्चे बैठे हैं, बड़ा अफसोस हो आजकल के गाने बजते पाओगे बोला नंगड़ा के बैदी फलाने के बैदी, तो अपना बच्चा सीखे के है, ये चीज सीखे अपना घर में के बाजन लग रहा, आसपास के बाजन लग रहा है, जिसका घर कोई मोटिवेट कोई मास्टर है ये बताने वाला होगा बेटा आपने ये करना है, वो बच्चा कभी असफल नहीं होगा। क्योंकि अभी ये बच्चे हैं, इनको कच्चे गड़े हैं, मैं कहता हूं तो इन बच्चों को जैसा मैं चाहूं बना सकूं, क्योंकि ये कच्चे हैं, इन्हें जैसा सिखाऊंगा वैसा सिखा। तो आप आसपास में जो भी अच्छी चीजें सिखाइए, इन चीजों को जो रामायण है महाभारत है गीता है, इस तरह की शिक्षा दीजिए आप। यदि हम अच्छी चीज सिखाओगे तो हमारा समाज ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा। किसी के कहने से कोई अच्छा नहीं होता, हम खुद अच्छे हो गए हमारा आसपास का पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक होगी। तो मेरा यही था कि आप बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, और जो हमारे लायक कोई भी गांव के जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी सरपंच पंचायत है, जो हमारे लायक ये बोलेगा सर आपने ये करना, वो हमारे सर माथे, जय हिंद जय भारत।